हेलो एवरीवन, आई एम सोनिया फ्रॉम बीटीएस इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ पीटी लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स। यस, यू हर्ड इट राइट, फिल इन द ब्लैंक्स बट ऑफ लिसनिंग। सो बिफोर वी स्टार्ट ऑफ, मैं आपको ये बता देती हूँ कि आज की वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। सो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द टास्क, व्हाट एग्जैक्टली लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स आर। उसके बाद हम स्कोरिंग के बारे में बात करेंगे, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आते हैं ये डिस्कस करेंगे, और फिर कुछ डूज एंड डोंट्स की बात करेंगे जो बहुत जरूरी है लिसनिंग फिल्म्स को अच्छे से सॉल्व करने के लिए। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज लेक्चर, लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स। अब एग्जैक्टली ये टास्क है क्या? इन दिस टास्क यू विल हैव अ टेक्स्ट, अ पैसेज रिटन ऑन द स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ यू। स्क्रीन पे आपको एक पैराग्राफ लिखा हुआ आएगा जिसमें टेक्स्ट लिखा होगा, एंड यू विल हियर द सेम टेक्स्ट विद योर लिसनिंग। सो यहां पे इस बात का मतलब ये है कि जो आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे वो बिल्कुल सेम है उस चीज के जो आपको सुनाई दे रही है, बट देयर इज जस्ट वन डिफरेंस। जो स्क्रीन पे आपके पास पैसेज है, इट हैज अराउंड 4 to 5 ब्लैंक्स इन इट। सो एक सेंटेंस चल रहा है, उसके बीच में ब्लैंक स्पेस है। सो एज यू कैन सी नाउ, दिस इज हाउ द स्क्रीन अपीयर्स। सो जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये पैसेज चल रहा है और पैसेज के बीच में 4-5 ब्लैंक स्पेसेस है। ये ब्लैंक्स हमने फिल करने हैं। ऑल यू हैव टू डू इज लिसन वेरी वेरी केयरफुली, क्योंकि ये जो आंसर्स हैं ये आपको लिसनिंग जो ऑडियो चलेगा उसमें बोलेगा। सो जैसे मैंने आपको बताया कि आपको आंसर्स बोले जाएंगे, सो इसका मतलब क्या है? हमारा प्राइम फोकस होना चाहिए ध्यान से सुनने पे। बट एक गलती है जो बहुत से बच्चे करते हैं, वो सुनने में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं, इतना ज़्यादा ध्यान लगा लेते हैं कि वो ये भूल जाते हैं कि उनको साथ साथ अपनी आई स्क्रीन पे मूव करते रहनी है टेक्स्ट के साथ। अदरवाइज आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा ब्लैंक कहाँ प्लेस्ड है और वो वर्ड कब बोल गया स्पीकर? So this thing requires both your skills, listening as well as you have to keep on moving your eyes on the screen. कितने passages exam में आते हैं? Listening fill in the blanks के आपको 2 to 3 passages exam में आते हैं with 4 to 5 blanks in each passage. हर एक passage में कम से कम 4 या 5 blanks होंगे और ऐसे 2 से 3 passage exam में आएंगे. Next thing we have to see is कि इसकी scoring कहाँ है? इट कॉन्ट्रीब्यूट स्कोर्स टू ऑफकोर्स योर लिसनिंग मॉड्यूल, क्योंकि लिसनिंग मॉड्यूल का क्वेश्चन है, एंड देन इट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट स्कोर टू योर राइटिंग सेक्शन। येस, राइटिंग सेक्शन, यू हर्ड मी राइट। क्यों राइटिंग सेक्शन में स्कोर जाता है? क्योंकि आपको सुन के टाइप करना है बच्चे। सो जितना आप करेक्टली अप्रोप्रिएटली आपके टेंसेस को ध्यान में रखते हुए, स्पेलिंग्स को ध्यान में रखते हुए ठीक टाइप करेंगे तो ही आपको राइटिंग में स्कोर मिलेगा। प्रॉम्प्ट की लेंथ कितनी होती है? प्रॉम्प्ट यानी कि जो आपको ऑडियो सुनाई देगी उसकी लेंथ रफली 30 to 60 सेकेंड्स की होती है, नॉट मोर देन दैट। और स्कोरिंग इसमें पार्शियल स्कोरिंग है, जहां पे आपका एक वर्ड करेक्ट है। एंड प्लीज रिमेंबर, करेक्ट होना सिर्फ ये नहीं है कि लिख दिया वर्ड करेक्ट है, स्पेलिंग भी करेक्ट होने बहुत जरूरी है। Each word spelled correctly will fetch you 1 point. So, जहां पे spelling गलत है, you lose your points in both the modules. So, you have to be very, very careful while attempting your listening fill in the blanks. Now, we move on to the method we have to use while attempting our listening fill-ups. I have seen students that they type directly on the screen. The help of the keyboard, वो directly type करते हैं। I personally feel this is not a very good method, and I do not propagate it to my students. क्यों मैं ये method follow करने की राय बच्चों को नहीं देती हूँ? For a very simple reason बेटा, keyboard पे जब आप बहुत जल्दी में type कर रहे होते हैं, हो सकता है आपको spellings आते भी हों, but कहीं पे extra finger press हो जाए या कोई key जोर से press हो जाए, double type हो जाए, और जितनी देर में आप वहाँ करेक्शंस करते हैं उतनी देर में स्पीकर आगे बहुत कुछ बोल चुका होता है और फिर वो सारा मिस आउट हो जाता है।
बेटर है कि आपको इरेजेबल नोट पैड और मार्कर मिलता है वहाँ पे, तो आप उस पे साथ साथ अपने ब्लैंक्स नोट डाउन करते रहें, और उसके बाद इट माइट टेक अराउंड 30 to 40 seconds रफली, 4 से 5 ब्लैंक्स होते हैं, सो 4 से 5 ब्लैंक्स का मतलब है 4 to 5 वर्ड्स, आपको 30 से 40 seconds से ऊपर नहीं लगेंगे इसको अपने आंसर्स को बाद में कॉपी करते हुए। सो आई पर्सनली सजेस्ट कि आप पहले अपने नोट्स बनाएं, इरेजिबल नोट पैड पर अपने नोट्स बनाएं, वर्ड्स लिखें और उसके बाद उसको अपने फाइनल आंसर में फिट इन करें। अब नोट्स बनाना भी एक बहुत बड़ी आर्ट है। आई हैव सीन स्टूडेंट्स बड़ी हैपहैज़र्डली, बड़े ही अनटाइडी तरीके से रैंडमली लिखते रहते हैं फटाफट। बच्चे आप लिख रहे हो फटाफट, वो तो बहुत अच्छी चीज़ है, बट ये ज़रूर ध्यान रखो कि लिख किस सीक्वेंस में रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने फर्स्ट ब्लैंक सुन लिया, फटाफट लिखा, सेकेंड सुना, लिखा, थर्ड नहीं सुना, तो अगर मैं हैपजर्ड तरीके पे लिख रही हूँ, बहुत अनटाइडी तरीके पे लिख रही हूँ, तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मैंने थर्ड नहीं सुना था या फोर्थ नहीं सुना था। सो आउट ऑफ दैट कन्फ्यूजन आपका आंसर गलत होने के चांसेस और ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। सो वॉट शुड वी एग्जैक्टली डू? टेक योर नोट्स इन अ लेजिबल हैंड राइटिंग, साफ सुथरी हैंड राइटिंग में नोट्स बनाओ। सेकेंड, वर्टिकली अपने नोट्स बनाओ, एक के नीचे एक वर्ड प्लेस करो, जहां पे कोई ब्लैंक मिस आउट हो जाता है, नहीं सुनाई देता है, पुट अ स्लैश, एक मार्क लगा दो कि यहाँ पे नहीं पता चला है। अदरवाइज जब आप आंसर्स फिट इन कर रहे होंगे तो आपको सीक्वेंस पता नहीं चलेगी। नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू कीप इन माइंड इज कि अगर कहीं पे फुल स्टॉप के बाद फर्स्ट वर्ड है तो उसको कैपिटलाइज करना इम्पॉर्टेंट है। अगर आप फुल स्टॉप के बाद कैपिटल वर्ड नहीं करोगे तो गलत माना जाएगा। सिमिलरली अगर कोई प्रॉपर नाउन्स है, किसी कंट्री का नाम है, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ना, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सो ये सारे जो नेम्स हैं इनके अल्फाबेट्स भी कैपिटल करने हैं, अदरवाइज दे विल नॉट फेच यू एनी मार्क्स, इससे कोई भी स्कोर नहीं मिलेगा। मूविंग अहेड, what we have to keep in mind is, I told you, correct sequence and also your tenses. हाँ जी, सुनते हुए ध्यान रखिए कि उसने s बोला है या नहीं बोला है, ed बोला है या नहीं। बहुत बार सुनते हुए आपको confusion हो जाती है, play, plays, yes, plays और place में भी बच्चों को similar sounds में homophones कहते हैं जिसको, कि वर्ड तो अलग है, स्पेलिंग्स अलग हैं, आवाज सेम है, साउंड सेम है। इफ आई से फॉर एग्जांपल वेदर, अब ये वेदर क्या कोई चीज होने वाली है या नहीं होने वाली है उस पे है, या वेदर मौसम वाला वेदर है। सो यहां पे बेटा आपको कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा। अगर आपको ऐसे होमोफोन्स एग्जाम में आते हैं और आपको डाउट है, प्लीज सी द कॉन्टेक्स्ट। जिस सेंटेंस में ब्लैंक है उस सेंटेंस को पढ़ते ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे किसी मौसम की बात हो रही है, तो वेदर WEATHER आएगा, अदरवाइज द अदर वेदर विल कम। सो बी केयरफुल ऑफ द होमोफोन्स, सिमिलर साउंड्स बट डिफरेंट स्पेलिंग्स एंड ऑफकोर्स डिफरेंट मीनिंग। सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, प्लीज बी श्योर अबाउट द ग्रामर। अगर लिसनिंग्स यानी कि सुनते हुए कोई चीज मिस हो गई है, नहीं समझ में आ रहा या नहीं कॉन्फिडेंट हो कि प्ले था, प्लेस था या प्लेड था, तो प्लीज कॉन्टेक्स्ट को एक बार रीड कर लें, बिकॉज जैसे ही आप सेंटेंस को रीड करोगे एंड यू हैव टू गिव इट अ वेरी क्विक रीडिंग, एक फटाफट से एक रीड करते ही आप उसको पर्टिकुलर सेंटेंस को आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कौन सी ग्रामर फॉर्म की जरूरत है। एस लगेगा, फर्स्ट फॉर्म आएगी, ईडी आएगा, व्हाट वी हैव टू यूज, बिकॉज जहाँ हमें टाइम का ध्यान रखना है, बिकॉज ये सारे क्वेश्चन टोटल टाइम्ड है। लिसनिंग का सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन समराइज स्पोकन टेक्स्ट जो है वो इंडिविजुअल टाइमर के साथ आता है, उसके बाद के ऑल 7 क्वेश्चंस इन अ सीक्वेंस आर टोटल टाइम्ड, यानी कि टाइम इकट्ठा दिया हुआ है, हमको अपना काम स्पीड अप करना है। बट स्पीड अप करने के साथ एक चीज का ध्यान रखना है कि जो आंसर्स लिख रहे हैं वो ठीक भी होने चाहिए। बिफोर आई सम अप दिस टुडेज क्लास, I just want to remind you of all the important things that you have to keep in mind. पहली चीज,
30 से 40 सेकेंड से ऊपर आप नहीं लगाएंगे ऑडियो खत्म होने के बाद, अदरवाइज इट माइट कॉस्ट यू विद योर राइट फ्रॉम डिक्टेशन, क्योंकि वो लास्ट में लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी, और टाइम कम होने की वजह से अक्सर बच्चों का वो छूट जाता है. सो टाइमर का ध्यान रखते हुए आप अपने फिल इन द ब्लैंक्स पे एक एक पैसेज पे 30 to 40 सेकेंड्स ऑन एन एवरेज स्पेंड करेंगे. ग्रामर टेंस फॉर्म का प्लीज ध्यान रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, बी केयरफुल ऑफ द स्पेलिंग्स दैट यू आर राइटिंग, क्योंकि गलत स्पेलिंग से इस क्वेश्चन में आपको कोई पॉइंट नहीं मिलने वाला है. द नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज टू चेक योर आंसर बिफोर यू प्रेस द नेक्स्ट बटन. चेक योर आंसर मीन्स आपने सारे ब्लैंक्स फिट इन कर दिए हैं, एक बार उसको प्रूफ रीड कर लो, क्या कहीं पे अपने नोट्स में से क्रॉस वेरीफाई कर लो, क्या कहीं पे हाइफन तो नहीं था, क्या कहीं पे क्रॉस तो नहीं लगाया हुआ था कि ये अटेम्प्ट नहीं किया हुआ और वहां पे आपने फिल इन कर दिया हो, तो वो सारी सीक्वेंस गलत हो जाएगी. एंड अगेन इवन इफ यू अटेम्प्ट यू विल नॉट स्कोर एनी पॉइंट्स, क्योंकि वो अटेम्प्ट गलत होगा. सो प्रूफ रीड करना बहुत ज्यादा जरूरी है. चेक फॉर द कैपिटल्स, फुल स्टॉप के बाद है या प्रॉपर नाउन्स है, वो कैपिटल लिखे हुए हैं कि नहीं, और अगर नहीं प्लीज करेक्ट दें. So this was all from listening fill in the blanks. I hope you will practice using all the techniques discussed today. And if you have any doubts, you can raise in your queries in the chat box. Thank you very much. Stay safe and stay happy.